जिला बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूता, मोजा, बैग वितरण व शिक्षकों के समायोजन संबंधित बैठक जिलाधिकारी के विजय पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO अनुज सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BN सिंह, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक रेमी यादव, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी नगर ब्रह्मचारी शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बच्चों को 1 जुलाई से स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार बच्चों को कॉटन के कपड़ों में ड्रेस उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना होने पाए। इसी के साथ शिक्षकों के समायोजन पर भी चर्चा की गई। पिछले बार क्या होता, हम लोग वो करते हैं, उसको हम लोग सैंपल एक रखते हैं और बाकी जो टीम जाती है उसको चेक करती है उस हिसाब से। यहाँ इस बार जो तो यार्न काउंट और थ्रेड काउंट ये सारे चीज़ जो साजिश है वो है। अच्छा, ये बस ये कंपोजिशन ऑफ कैरेट जो ये भारी मात्रा में हमें बनाना है तो आप तो दे सकते हैं। ये सैंपल टेस्टिंग प्रोटोकॉल के लिए दिया हुआ माना के लिए कितने सैंपल लेना है वो एक ही कहा थे हाजपुर के हर स्कूल पे एक एक सैंपल लगता है। मैं समझी गौरव एक ट्रेलर के साथ कपड़े खरीदे सर भाजी ग्रामोद्योग में दिखा आप बताइए आपका जानकारी इसी कॉम्बिनेशन में कपड़ा यहाँ आप ले पाए सर। अभी हमारे मुख्यालय से जितनी जोड़ इस बात की आई हुई है प्रदेश में केवल वो कुछ एक दो बात में सात विकास खंड में ये बात तो सुन ली है। आपका कहना है कि जो ये मानक में लिखा हुआ है पॉलिएस्टर 67 और कॉटन 33, आपका कहना है कि जब आप ऑर्डर दोगे तभी बनाते हैं लोग नहीं बोलते हैं उनको, तो उसमें पॉलिएस्टर और कॉटन ही मिक्स होता है। इस्तेमाल भी किया था और यहाँ BSS साहब से गांधी आप इसमें है निर्धारित सरकार का 300 रुपये, लेकिन उनकी जो खासता रही है उनकी गांधी आश्रम की वो कम से कम 800 रुपये का होगा। अच्छा, उन्होंने बताया जो 4 जिलों में जो सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कैसे कर पा रहे हैं अभी उसमें सर अब वही अभी हम लोग पता नहीं कर पाए वो किस तरह के साथ कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं भी नहीं है सर, क्योंकि खाली कमीशन में हमारा कुछ नहीं आता है जहाँ थोक सप्लाई होता है वहाँ की वो उसका रिबेट नहीं होता।